हाय गाइस, मैं हूं मेघा एंड वेलकम टू माय चैनल पर्की मेक्स हिंदी, जहां हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है दैट इज ऑल अबाउट माय करंट फेवरेट्स एंड माय रिकमेंडेशंस फॉर स्किन केयर एंड हेयर केयर। सो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। सो गाइस, अगर स्किन केयर की बात करें तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू मेंशन कि मेरी जो स्किन है उसमें पिगमेंटेशन का बहुत इशू है एंड दैट्स व्हाई ये बहुत ही अनइवन अपीयर होती है। ऑल्सो गाइस, सिंस आई बिकेम अ मॉम तो मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए, विच इज़ ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ पिगमेंटेशन। तो आई हैव बिन यूजिंग दिस डुओ जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, एंड दिस इज सजेस्टेड बाय माय डर्मैट एंड अ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। सो गाइज, दीज आर द लॉरियल पेरिस ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम एंड आई सीरम। सो गाइज, पिगमेंटेशन जो होता है ना, बेसिकली वो रिजल्ट होता है एक्सेस मेलानिन प्रोडक्शन का, एंड ग्लाइकोलिक एसिड एज एन इंग्रेडिएंट वर्क्स बेस्ट टू रिड्यूस मेलानिन एंड करेक्ट्स अनइवन स्किन टोन एंड पिगमेंटेशन। सो मैं आपको बताती हूँ हाउ आई यूज दीज प्रोडक्ट्स। सो इन द मॉर्निंग आफ्टर क्लेंजिंग आई अप्लाई द ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम। सो मैं इस तरह ड्रॉपर से जो प्रोडक्ट है अपने हैंड पे ले लेती हूँ एंड देन आई मसाज माई फेस विद इट। आफ्टर द सीरम आई अप्लाई द ग्लाइकोलिक ब्राइट आई सीरम। इस एप्लीकेटर से मैं टू एंड फ्रो मोशन में इसको अप्लाई करती हूँ एंड देन आई मसाज माई अंडर आई एरिया। सो गाइज, आई लव दिस डुओ। इससे जो मेरी स्किन है काफी इवन टर्न हो गई है एंड आई कैन सी विजिबल डिफरेंस इन माई डार्क सर्कल्स। मेरे डार्क सर्कल्स काफी रिड्यूस हो गए हैं। सो गाइज, डू गिव दीज प्रोडक्ट्स अ ट्राई एंड वेट फॉर 2-3 वीक्स टू सी द रिजल्ट। सो अगर आप भी ये प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हैं तो आई लीव द लिंक ऑफ दीज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक इट आउट। ओके गाइज, द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम लविंग इज अ हेड रैप। दिस इज अ वेरी क्यूट हेड रैप। तो आप सब जानते हैं मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है, आई लव टू ड्राई माई हेयर विद अ टॉवल रैप। इसे क्या होता है, बहुत ही छोटे रैप्स होते हैं तो आप अपने बालों को अच्छे से टाई कर सकते हैं आफ्टर हेयर वॉश। अपने आप अपना रेगुलर काम कीजिए एंड 10 मिनट्स में आपके जो बाल हैं ड्राई हो जाते हैं। यू डोंट नीड अ हेयर ड्रायर जो कि बालों को डैमेज करता है। एंड जो नॉर्मल टॉवल्स होते हैं वो बहुत बड़े और बल्की होते हैं तो वो 2 सेकंड में निकालने पड़ते हैं। यू कैन नॉट वेयर इवन योर क्लोथ्स वेयरिंग दैट टॉवल। सो ये बहुत ही प्यारे हेड रैप्स होते हैं। तो मैंने ये अपने लिए तो मंगाया था, दिस वन आई गॉट फॉर नवू, बिकॉज किड्स के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। दीज आर बैम्बू टॉवल्स, बहुत ही जल्दी पानी एब्जॉर्ब हो जाता है एंड दीज आर एक्सट्रीमली सॉफ्ट ऑन स्किन। सो हेयर केयर में मैंने ये चेंज किया एंड दीज आर माई फेवरेट्स। तो हेयर डैमेज कम होता है, हेयर ड्रायर की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई टॉवल रैप्स। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ लिप बाम। नाउ यू ऑल नो, अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करें, दैट आई हैव ड्राई चैब लिप्स एंड मैं हमेशा एक अच्छे लिप बाम की तलाश में रहती हूँ। सो रिसेंटली आई ट्राई द सफोरा मॉइस्चराइजिंग लिप बाम एंड आई लव्ड इट। गाइज, ये ना बिल्कुल भी स्टिकी नहीं, आई हेट दोज स्टिकी लिप बाम्स। ये बहुत ही नरिश करता है लिप्स को, बट ये वैसा नहीं है जो स्टिकी होते हैं ना वो। उससे क्या होता है, मेरे अपर लिप्स में बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है विच आई डिसलाइक सो मच। तो मुझे बहुत पसंद आया। तो अगर आप भी एक अच्छे लिप बाम की तलाश में, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। थोड़ा सा ये प्राइसी रेंज में है बट मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी एंड ऑल्सो ना ये एक लिटिल सा टिंट छोड़ देता है लिप्स पे, रेडिश सा, विच आई एब्सोल्युटली लव। सो मैं डेफिनेटली इसको रेकमेंड करूंगी। ओके गाइस, नेक्स्ट इज अ बॉडी मिस्ट। सो मैंने ट्राई की है विक्टोरिया सीक्रेट की सर्फ ऑन द वेव्स बॉडी मिस्ट, फ्रेग्रेंस मिस्ट, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। मुझे ना आजकल बॉडी मिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो आफ्टर बाथ आई जस्ट यूज अ मिस्ट एंड बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस देता है ये, स्पेशली इन समर जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बहुत ही अनकंफर्टेबल सी स्मेल होती है, देन आई लव टू वेयर बॉडी मिस्ट स्पेशली इन दिस सीजन। तो ये है विक्टोरिया सीक्रेट की सर्फ ऑन द वेव्स, बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है ये, सूदिंग फ्रेग्रेंस है एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। ये मुझे ना कुछ ऑफ में मिली थी व्हेन आई वेंट टू द विक्टोरिया सीक्रेट स्टोर, वहां पे सेल चल रहा था। तो इसका ओरिजिनल प्राइस तो बहुत ज्यादा है बट मुझे ये 700-800 में मिली थी एंड आई रियली लाइक्ड इट। सो मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, आप सेल सीजन में जरूर चेकआउट करना इन द विक्टोरिया सीक्रेट स्टोर। ओके गाइस, लास्ट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर द समर स्किन केयर। तो यू ऑल नो माई लव फॉर एलोवेरा। मुझे ऐसा लगता है वो स्किन के लिए सबसे ज्यादा अमेजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट है और मैंने एलोवेरा का प्लांट लगाया हुआ है अपने घर में। सो समर में मैं क्या करती हूँ कि मैं एक उसका पत्ता तोड़ के उसको ग्रेट कर लेती हूँ एंड देन जो जेल निकलता है उसको मैं ग्लास के जार्स में स्टोर कर लेती हूँ इन द रेफ्रिजरेटर।
तो व्हेनेवर समर में, क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा इरिटेटिंग फील होती है कई बार, तो उस टाइम के लिए व्हेनेवर मुझे लगता है मेरी स्किन बर्न हो गई है या फिर स्किन इरिटेटेड फील हो रही है, तो मैं उस जेल को लगा लेती हूँ। एक तो वो ठंडा हो जाता है रेफ्रिजरेटर में बहुत अच्छा, एंड देन उसको इस तरह से मैं मसाज करती हूँ तो बहुत ही सूदिंग फील होता है, एंड देन उसको मैं अपने फेस पे हल्का सा मसाज कर लेती हूँ। सो दिस इज अ ग्रेट रेसिपी फॉर समर फॉर स्किन केयर। सो गाइज, ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया। इफ येस, इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलिए गाइज, एंड सब्सक्राइब कीजिए पर्की मेक जिंदगी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।